सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ और हम आज पढ़ रहे हैं बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हम किसी भी कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन को तीन बातों से डिफाइन कर सकते हैं। पहला, उसके इंटरनल रजिस्टर्स, दूसरा उसके टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, और तीसरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो आज इस पहले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इंटरनल रजिस्टर्स ऑफ अ बेसिक कंप्यूटर। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें हमें रिवाइज करनी है, हम उसको दोबारा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कल हमने बात की थी, हमारा जो इंस्ट्रक्शन कोड है वो 16 बिट का है और जो मेमोरी हमने इस बेसिक कंप्यूटर में डिस्कस की थी कल, उसका साइज था 4096/16। ये 4096 क्या है, जो पहला पार्ट है, 4096 मतलब इस मेमोरी में 4096 यूनिक एड्रेसेस हैं, यानी ये 4096 लोकेशंस इसमें यूनिकली एड्रेस हो सकती हैं, इतने मेमोरी लोकेशंस हैं। और ये 16 क्या बताता है, हर लोकेशन पे 16 बिट का डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है। इस मेमोरी में, इस प्रोग्राम एरिया में जो भी प्रोग्राम है वो सीक्वेंशियल लोकेशंस पे स्टोर होता है। तो अब हम रजिस्टर सेट्स इन बेसिक कंप्यूटर्स पे आते हैं। तो जैसा कि हमने कल बात की थी कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर उस प्रोग्राम को पढ़ता है, एट अ टाइम एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। फिर एग्जीक्यूट करने के बाद जो दूसरा सीक्वेंशियल लोकेशन में प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शन है, उसको दोबारा लोड करता है, उसे डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। इस तरीके से जब तक प्रोग्राम के अंत तक नहीं पहुंच जाता, पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है। तो यानी कि अगर हम इस बेसिक कंप्यूटर की बात करें, इस कॉन्फ़िगरेशन की, जिसमें हमारा जो इंस्ट्रक्शन कोड है 16 बिट का है और हमारा मेमोरी साइज जो है 4096/16 है, तो उस कंप्यूटर में हमें कितने मिनिमम रजिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी हम एक बात करते हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं, हमें एक ऐसा रजिस्टर चाहिए कि जब कंट्रोल यूनिट किसी भी इंस्ट्रक्शन को पढ़े तो वो किसी एक लोकेशन में स्टोर होना चाहिए इंस्ट्रक्शन। तो उसके लिए, और चूंकि इंस्ट्रक्शन 16 बिट का है, तो हमें ऐसा एक 16 बिट का रजिस्टर चाहिए। तो उसके लिए हमने एक ये 16 बिट का इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमें एक चाहिए। इसके अलावा हमें एक ऐसा रजिस्टर चाहिए जो कि सारी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, एक तो इंस्ट्रक्शन इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा है और मैंने पहले कहा कि सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो सीक्वेंशली स्टोर्ड है मेमोरी में। तो हमें एक ऐसा रजिस्टर चाहिए जो कि एड्रेस में डील करता हो, एड्रेस, और इस मेमोरी में, क्योंकि 4096 लोकेशन हैं और 4096 लोकेशन को एड्रेस करने के लिए हमें मिनिमम 12 बिट चाहिए। तो जब भी हम एड्रेस पे कोई रजिस्टर डील करता है तो 12 बिट का होगा, और इंस्ट्रक्शन में कोई रजिस्टर डील करता है तो वो 16 बिट का होगा। तो हमें एक ऐसा रजिस्टर चाहिए जो कि नया दूसरा इंस्ट्रक्शन कहां से आएगा इसका हिसाब रखे। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर नाम का रजिस्टर जो कि 12 बिट का है। ये क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, माने जो दूसरा इस वक्त जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद कौन सा वाला इंस्ट्रक्शन मेमोरी की किस लोकेशन से लोड होगा एग्जीक्यूट होने के लिए, उसका हिसाब किताब रखता है ये प्रोग्राम काउंटर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप कंडीशनल लूप चलाते हैं या कोई ब्रांचिंग कंडीशन आती है, तो जरूरी नहीं है कि सीक्वेंशियल लोकेशन नेक्स्ट सीक्वेंशियल लोकेशन से ही कोड को उठाया जाए, नए इंस्ट्रक्शन को उठाया जाए। हो सकता है कोई कंडीशन दी हो, कंडीशन ट्रू हो, तो वो ब्रांच करे, यानी कि नेक्स्ट लोकेशन से ना उठा के किसी और लोकेशन से इंस्ट्रक्शन को उठाए, कंडीशन फॉल्स हो तो नेक्स्ट सीक्वेंशियल लोकेशन से उठाए। तो यानी कि
कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि नेक्स्ट सीक्वेंशियल लोकेशन से आप डेटा को नहीं उठाते, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब ब्रांचिंग कंडीशन ट्रू होती है तो किसी और लोकेशन से वो इंस्ट्रक्शन को उठाएगा, तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर पे आप ब्रांचिंग जो एड्रेस है उसको लोड कर देते हैं। तो यानी कि वो हमेशा ही प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि जो नया अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला उसका एड्रेस रखता है। अगर ब्रांचिंग कंडीशन ट्रू हुई और आप अगर प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर देते हैं ऐसे एड्रेस से जो कि नेक्स्ट सिक्वेंशियल एड्रेस नहीं है जबकि ब्रांच जो या नेक्स्ट सिक्वेंशियल एड्रेस नहीं है जबकि ब्रांचिंग एड्रेस का लोकेशन है, तो प्रोग्राम ब्रांच कर सकता है किसी और लोकेशन पे। तो अभी तक हमने बात की दो रजिस्टर, एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक प्रोग्राम काउंटर, और यह है एड्रेस रजिस्टर, इसको आप पहचानते हैं। जब इंस्ट्रक्शन कोड के हम पिछली बात की थी हमने यहां पे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ये एड्रेस पार्ट है, ये क्या करता है, ये ऑपरेंड का एड्रेस को स्टोर करता है। तो यही एड्रेस कहां पे स्टोर रहता है, इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमारे पास है एड्रेस रजिस्टर। अगेन क्योंकि ये एड्रेस में डील कर रहा है, एड्रेस हमारे पास 12 बिट का है तो ये 12 बिट का होगा। इसी तरह टेम्परेरी किसी डेटा पे आपको डील करना है तो हमारे पास एक 16 बिट का और रजिस्टर होता है, इसका नाम है टेम्परेरी रजिस्टर। और एक जनरल पर्पज रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। और जो मेमोरी में यहां पे हमने बात की पिछले अपने इंस्ट्रक्शन में कि ये किसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इन मेमोरी, यानी यहां पे, तो ये क्या है, ये भी डेटा है, डेटा है 16 बिट का। तो जब किसी डेटा पे मैनिपुलेशन होना है तो वो सीपीयू के रजिस्टर में आना उसका जरूरी है मेमोरी से, तभी उस पर मैनिपुलेशन किया जा सकता है। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक रजिस्टर है जिसका नाम है डेटा रजिस्टर। इसके अलावा हमारे पास दो और रजिस्टर हैं, 8 बिट के इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर। क्योंकि हम इनपुट रजिस्टर में क्या करते हैं, जब भी आप कीबोर्ड से कोई करेक्टर टाइप करते हैं या डेटा को टाइप करते हैं, जो करेक्टर्स होते हैं ASCII फॉर्मेट में होते हैं और ASCII फॉर्मेट 8 बिट का होता है, तो उसको स्टोर करने के लिए हमारे को एक 7 बिट रजिस्टर चाहिए, इसका नाम है इनपुट रजिस्टर, और ये सॉरी 8 बिट का रजिस्टर चाहिए 0 to 7, तो इसका नाम है इनपुट रजिस्टर और ये 8 बिट का है। इसी तरीके से आप जो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं उस पर डिस्प्ले कराने के लिए जो भी आपका रिजल्ट है, अगर आपको आउटपुट डिवाइसेस में डिस्प्ले कराना है तो अगेन वो ASCII फॉर्मेट में काम करना है, तो आपको एक आउटपुट रजिस्टर चाहिए जो कि 8 बिट का हो। तो इसको समराइज करते हैं, हमने अभी एक बेसिक कंप्यूटर में जो 8 रजिस्टर्स की बात की, पहला है 16 बिट का डेटा रजिस्टर, फिर से एक बार मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो भी डेटा जो भी रजिस्टर इंस्ट्रक्शन में डील करेगा वो 16 बिट का होगा, जो एड्रेस में डील करेगा वो 12 बिट का होगा। इसके अलावा इनपुट और जो आउटपुट रजिस्टर्स हैं ये 8 बिट के होंगे क्योंकि ASCII फॉर्मेट में काम करते हैं जो कि 8 बिट के होंगे। तो मैं इसको दोबारा समराइज कर रहा हूं, हमारे बेसिक कंप्यूटर में एक डेटा रजिस्टर है जो कि 16 बिट का है और ये क्या करता है, इट होल्ड्स द मेमोरी ऑपरेंड, यानी मेमोरी में जो डेटा जिस पे आपको मैनिपुलेशन करना है उसको होल्ड करता है। इसके बाद है एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर 12 बिट का है और ये क्या करता है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी, मेमोरी में ऑपरेंड की लोकेशन कहां पे है, इसका एड्रेस कौन सा है, उस एड्रेस को होल्ड करता है। एक्यूमुलेटर एक जनरल पर्पस प्रोसेसर रजिस्टर है जो कि 16 बिट का है। इस तरीके से एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, जब भी आप कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो मैंने पहले बताया कि प्रोग्राम मेमोरी में सिक्वेंशियल लोकेशंस पे सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, एट अ टाइम एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकता है। तो एग्जीक्यूट होने के लिए क्या होता है, मेमोरी से उस इंस्ट्रक्शन को आप प्रोसेसर में लेके आते हो सीपीयू में एक रजिस्टर होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जहां पे उसको रखा जाता है। उसके बाद जो कंट्रोल यूनिट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को डिकोड करता है, तो उस इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए आपको एक रजिस्टर की आवश्यकता है जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, वो 16 बिट का है।
इसी तरीके से हमने बात की थी प्रोग्राम काउंटर की। प्रोग्राम काउंटर अगेन क्योंकि ये एड्रेस में डील करता है 12 बिट का है, और इसका काम क्या है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी कि जो अभी अभी इस समय पे अगर कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन मेमोरी में कहां से आएगा, वो एड्रेस को ही होल्ड करता है। इसके अलावा एक 16 बिट का टेम्पररी रजिस्टर भी होता है जो टेम्पररी डेटा को होल्ड करता है। फिर इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर 8-8 बिट के होते हैं क्योंकि ये ASCII फॉर्मेट, ASCII करेक्टर, जो भी हम करेक्टर कीबोर्ड से या इनपुट डिवाइसेस से पंच करते हैं वो ASCII फॉर्मेट में होते हैं, और ASCII फॉर्मेट 8 बिट का होता है, इसलिए इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर 8-8 बिट के होते हैं। तो हमने आज जाना कि कंप्यूटर में, एक बेसिक कंप्यूटर में कौन कौन से इंटरनल रजिस्टर होते हैं। अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे 16 बिट कॉमन बस की। धन्यवाद।